उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव। बलिया जनपद में कुल 10 नगर पंचायत, 2 नगर पालिकाओं पर 11 मई को मतदान होगा। 17 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक यहां नामांकन होंगे, उसके बाद चुनाव बिगुल बजेगा और उसके बाद लोग अपने अपने सिंबल के साथ चुनाव मैदान में होंगे। आइए बात करते हैं, हमारे बीच डीएन पांडे मंटू जी हैं जो रेवती नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के दावेदार के रूप में भारतीय जनता पार्टी में लगे हुए हैं। आज वो भाजपा कार्यालय पे मौजूद थे, लेकिन एक जगह पे हम लोग मौजूद हैं जहां उनसे हमारी आपकी बात हो रही है। आइए बात करते हैं डीएन पांडे जी से। जी, आप पेशे से, आप लोग के परिवार के लोग एक चिकित्सा क्षेत्र में हैं, राजनीति में आने का क्या मकसद रहा? सबसे पहले हमारा नमस्कार सभी लोगों से, सभी जो श्रोता हैं। एक्चुअली हम लोग, जाहिर सी बात है कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और विशेषकर चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और जनपद में अगर चिकित्सा शिक्षा का नाम लिया जाए तो अपने मुंह से कहना थोड़ा वो लगता है, लेकिन एकमात्र मेडिकल कॉलेज के नाम पे हमने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। उससे पहले नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेज भी चलाते हैं, और सबसे पहले से हॉस्पिटल के क्षेत्र में चुकी हैं और जनता की सेवा करते आ रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ऐसा विषय है कि ये हर आदमी से जुड़ा हुआ है, और इस परिस्थिति में किसी की मदद करना अपने आप को संतुष्टि देता है। फिलहाल जो आपने सवाल किया कि चुनाव के क्षेत्र में कैसे आ गए, हम जिस नगर पंचायत से बिलोंग करते हैं उस नगर पंचायत में पिछले 10 सालों से, हम तो वहीं के पैदाइश से, हमारी हम वहीं पे पढ़े लिखे हैं, 10 सालों से स्थिति ये बनती जा रही है युवाओं को देख करके कि एकदम से दिग्भ्रमित हो गए हैं। ना उनका सोच पढ़ाई लिखाई की तरफ जा रहा है, ना उनका सोच अपने आप को विकास करने की तरफ जा रहा है, एकमात्र एक ध्रुव बन गया है नशा, और एकदम पूरे युवा बेकार होते चले जा रहे हैं। तो नगर पंचायत की जनता द्वारा हमेशा से आता रहा है, इस बार भी आया कि क्यों ना आप लोग आएँ, क्योंकि अच्छे लोग, एक उनका कहना है कि आना ज़रूरी है, तो हम लोग कहे कि सामाजिक दायित्व ये भी है, इसको एक बार आजमाया जाए और इससे समाज को लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। जो हम लोगों का विजन है वो मेन जो भटके हुए युवा हैं उनको अलग दिशा देना है, ताकि हमारे नगर पंचायत का क्षेत्र भी विकास करे और उसका भी नाम आए। मंटू जी, राजनीति में पहले भी थे आप? नहीं, बहुत सक्रिय तो नहीं रहे हैं, हालांकि आपसे बताया मैंने कि हॉस्पिटल के क्षेत्र में है, जनप्रतिनिधि से मिलते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, हम भी लोगों के बीच जाते रहते हैं, लेकिन ऐसा प्रत्याशी के रूप में मेरा पहला है ये। चुनाव का मकसद ये है कि नगर पंचायत क्षेत्र को विकास की तरफ ले जाएंगे। हाँ, हाँ। और नौजवानों को नई दिशा की तरफ ले जाएंगे। हाँ। तो क्या लग रहा है कि नगर पंचायत क्षेत्र को बेहतर करने का और क्या प्रयास हो सकता है विकास के क्षेत्र में? सबसे पहली चीज़ ये है कि आज से जो हमको ध्यान है, 10-15 सालों के बीच में हमको ये दिख रहा है कि नगर पंचायत में युवाओं को मोटिवेट करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, ना कोई नया इंस्टीट्यूशन, ना कोई नया, यहाँ तक कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कोई प्राइवेट कोई भी लोग नहीं गए। ये तो विधानसभा लोकसभा क्षेत्र का मामला आ गया, नगर की जो प्रमुख समस्या है जैसे साफ सफाई, नाली खड़ंजा, सड़क, वाटर, पेयजल, शुद्ध पेयजल, ये सारी चीज़ें एक समेट के ही वहाँ के लोग मतदान करते हैं कि अपना अध्यक्ष हो, और ताकि इन बिंदुओं पर विशेष तौर पर ध्यान दें। इन बिंदुओं पर क्या रहेगा नगर पंचायत में? तो आधारभूत जो सुविधाएं हैं, नाली और सड़क की और बिजली की, जो तार की, ये सब तो विकट रूप में है ही है, उसमें सुधार करना ज़रूरत है ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब पिछली बातों को छोड़ करके किसी का ना विरोध करते हुए कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा हम नहीं करना चाहते हैं। हम अपना जानते हैं कि जनता अगर हम पे भरोसा करती है और हम आते हैं तो इन सुविधाओं में मूल चूल परिवर्तन करेंगे, क्योंकि बहुत संभावनाएं हैं इसमें। आज भी रोड की स्थिति, गलियों की स्थिति, विशेषकर जल निकास की स्थिति बहुत ही दुरूह बनी हुई है, जनता परेशान है। तो पिछली बातों को ना दोहराएंगे, आगे का हम सोचते हैं कि आगे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी से आपने आवेदन किया? जी, भारतीय जनता पार्टी से आवेदन किया है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे या फिर कोई और विकल्प सोचेंगे? नहीं, अगर भाजपा टिकट देती है तो लड़ेंगे, अदरवाइज जो भी भाजपा से लड़ेगा उसका हम समर्थन करेंगे। चलिए, मंटू जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यदि हमें टिकट देती है तो हम चुनाव मैदान में होंगे, पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, यदि भारतीय जनता पार्टी हम पर विचार नहीं करेगी
वो किसी भी उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी तो हम उसके साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि विकास के क्षेत्र में रेवती नगर पंचायत बेहतर हो, सुंदर हो, आकर्षण का केंद्र हो, उस पर विशेष ध्यान होगा। इन्होंने कहा कि नौजवानों को एक बेहतर प्लेटफार्म मिले शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में नगर पंचायत रेवती एक बेहतर साबित हो, ये प्रयास रहेगा। अगर जनता ने इनको मौका दिया तो नगर पंचायत रेवती में विकास की गंगा बहाएंगे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े रहे बलिया से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।